हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों, आज है पटाया में मुझे तीसरा दिन और खाने की तलाश में यहां वहां भटक रहे थे, पर पता नहीं था कि दिया तले अंधेरा, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ यानी कि दी होटल बेवरली, उसी में एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अंदा, जहाँ पर आपको ना केवल वेज बल्कि नॉन वेज भी आपको काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ में मिलते हैं। और साथ ही साथ अलाकार्ट के अलावा आप अगर चाहते हो कि बुफे में लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करना, तो वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। जी हाँ, तो आज मैं उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ जिसका नाम है अंदाज बेवरली होटल में, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर खाने की क्या क्या वैरायटीज़ आपको मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप पटाया आते हो तो अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट बताइए जहाँ पर हम इंडियन फूड को इंजॉय कर सकें विदेश में जाकर भी। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन फूड को इंजॉय करना चाहते हैं विदेश में आ कर के, तो मुझे लगता है कि अंदाज से अच्छा कोई रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल ही वॉकिंग स्ट्रीट से लगभग 70-80 मीटर्स के पास है। और अगर आप चाहते हो कि आपका होटल है जोमतेन में, सोयबखाव में, और आप वहाँ से आ कर के खाना खाना चाहते हो वॉकिंग के पास में, तो दोस्तों इससे अच्छी जगह शायद ही आपको कहीं पर मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ 70 या 80 मीटर दूर है वॉकिंग स्ट्रीट से। आप आराम से यहाँ पर आकर के रात को 11 बजे तक आप यहाँ पे खाना खा सकते हो, साथ ही साथ में अलाकार्ट के अलावा आप बूफे भी यहाँ पे ले सकते हो, और सिर्फ 60-70 मीटर दूर जा कर के वॉकिंग स्ट्रीट में इंजॉय भी कर सकते हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इस रेस्टोरेंट का लुक, और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि कैसा है यहाँ का खाना, कैसा है यहाँ का बुफे, और क्या क्या मिलता है इस रेस्टोरेंट में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदाज।
तो दोस्तों रेस्टोरेंट की कुछ झलकियाँ जो है आपने अभी देखी है, मैंने आपको दिखाया है और आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी। पर फिलहाल हमें सौभाग्य मिलता है कि हम इस रेस्टोरेंट के एक बहुत ही खास पर्सन से मिलने वाले हैं, जो कि है इस रेस्टोरेंट के शेफ़, यानी कि जो कि हमें बना के खिलवाते हैं बहुत ही प्यारा प्यारा और स्वादिष्ट खाना। तो आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि ये जो शेफ़ है इनका नाम है विष्णु प्रसाद जी, और यहाँ पर यानी कि इस रेस्टोरेंट में ये 27-28 साल से वर्क यानी काम कर रहे हैं, और अच्छी भली जो है थाई लैंग्वेज भी ये जानते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो है थाई लैंग्वेज में ही यहाँ के लोकल लोगों से बातें करते हैं, तो ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो चलिए विष्णु जी से जानते हैं कि इंडियन फूड का जो ये जायका हमें यहाँ पर दे रहे हैं, इसमें ये क्या डालते हैं, अपना क्या प्यार और क्या स्वाद ये डालते हैं, जो कि हमें हमारे देश यानी कि इंडिया की याद आ जाती है। तो विष्णु जी, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे, और आपका सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इंडिया से इतनी दूर आ करके, अपने परिवार को यहाँ पे बसा करके, आप अपनी मातृभूमि को छोड़ करके, आप हमें जो भारत का ये जो स्वाद है, जो इंडियन फूड का जो स्वाद है, आप हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विष्णु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको 27-28 साल इस रेस्टोरेंट में हो गए हैं, हाँ जी, और मैंने यहाँ के लोगों से भी जाना है जो कि इंडियन यहाँ पे खाना खा रहे थे अभी कुछ देर पहले, उन्होंने भी बताया कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा क्या है आपके इन हाथों में जो कि इतनी तारीफ आपके लोग कर रहे हैं? जो मैं जो ये प्रैक्टिकल है, मैं जी प्रैक्टिकल से हूँ, वेरी गुड सर। और डिप्लोमा वाले और प्रैक्टिकल वाले में धीरे ज़्यादा ही फर्क होता है, बिल्कुल तो इस वजह से, और मेरा एक्सपीरियंस ग्रुप का ही काम करता हूँ मैं ज़्यादातर, ओके। तो इस वजह से हम लोगों का 400-500 हज़ार आदमी आए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारा मटेरियल होता है और हम ओरिजिनल इंडियन, वेरी गुड, नॉर्थ इंडियन खाना ओरिजिनल बनाते हैं, वेरी गुड। मैंने देखा है आपने यहाँ पे साउथ इंडियन भी जो है हाँ। रसम वगैरह आपने यहाँ पे रखे ये रखा है, जो FIT वाला साउथ इंडियन आते हैं उनके लिए कुछ तो होने चाहिए, बिल्कुल, उसके लिए रसम रखा है और प्लेन कर्ड रखा हुआ है। और भी वो साउथ इंडियन में यहाँ पे और भी नाश्ते में या ब्रेकफास्ट में कुछ वैरायटीज मिलती है यहाँ पे? उपमा होता है जी साउथ इंडियन के लिए, पोवा वाला, उपमा वाला, ये चीज़ें होती हैं। लंच का तो हमने देखा बुफे काफ़ी अच्छा आपने बना रखा है और काफ़ी सारी वैरायटीज यहाँ पे है। ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे? ब्रेकफास्ट में यहाँ पे कभी छोले भटूरे, आलू पूड़ी, बटाटो बड़ा, ब्रेड पकौड़ा, और काफ़ी चीज़ें, फ्राइड राइस वाला, काफ़ी चीज़ें होती हैं, सैंडविच वाला। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई यहाँ पे, अगर इस होटल में कोई रुकता है तो वो यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट और कम्प्लीमेंट्री उसे मिलता है, या फिर वो परचेज़ करके यहाँ पे लेना चाहता है तो उसे जो ब्रेकफास्ट है वो एवरी डे उसे चेंज मिलेगा या नहीं? सेम एवरी डे चेंज होगा, एवरी डे चेंज, हाँ वेरी जी, गुड। तो दोस्तों ये था विष्णु जी से थोड़ी सी वार्तालाप। अब विष्णु जी ने जो है बताया कि यहाँ पे जो है खाना वो रेगुलरली चेंज होते रहता है, डेली एक ही मेनू नहीं होता है, जबकि हमने कई सारे बुफेस में ऐसे देखे हैं, मैंने यहाँ पे कई बुफे खाए हैं, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो खाना जो है वो दोपहर का खाना ही रात को भी चलता है और मेनू जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, सेम मेनू ही रहता है, तो आदमी जो है खा खा करके वो पक जाता है। पर अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको विष्णु जी जैसे कि बता रहे हैं कि एवरी डे जो है आपको मेनू भी चेंज मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हमें एक ही खाना रोज़ नहीं खाना पड़ेगा, और ना केवल नॉर्थ इंडियन बल्कि साउथ इंडियन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैंने अभी जस्ट देखा है यहाँ पे जो रसम वगैरह बना रखे हैं, दैट मीन्स कि सुबह नाश्ते में भी ये ज़रूर साउथ इंडियन का जायका भी हमें प्रोवाइड करते होंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडियन तो काफ़ी है तो साउथ इंडियन भी काफ़ी होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखे इस होटल में जो है इंडियन काफ़ी है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सभी तरीके से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं इंडिया से, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध है इंडियन के बीच में। तो आप भी अगर चाहो तो इस रेस्टोरेंट में आकर के विष्णु जी के हाथ का स्वाद ले सकते हो। तो विष्णु जी, अभी आप हमें क्या खिलाने वाले हो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो नॉन वेजिटेरियन वेज के तो मैं अंदर नहीं है खाता हूँ मिक्स जी, वेजिटेबल है, मटर वेरी पनीर है, गुड, दाल फ्राई है, जीरा राइस, प्लेन राइस, और पापड़, नान, और ओके गाजर का हलवा है, सलाद जी, है, हमारे पास ऐसा अचार कई रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, 8 किस्म के अचार हैं, क्या बात है, 8 किस्म का इन्होंने अचार बना के रखा है, उसमें और वेज नॉन वेज हमारा दोनों है ना? हमारा हाथ का बना हुआ है, हम लोग रेडीमेड नहीं ओके खरीदते, ओके, अचार भी जो है विष्णु जी खुद अपने हाथों से बनाते हैं, जो अचार है वो भी आपका वेज और नॉन वेज दोनों है? नहीं एक ही नॉन वेज होगा, फिश का अचार होगा फिश और सब पिकल, वेजिटेरियन होगा, ओके, फिश पिकल जो है इनके यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है, जो कि आमतौर पे हर जगह पे नहीं मिलता है। बाकी मैंने देखा है कि इन्होंने काफ़ी सारा अचार जो है रख के रखा है, मैंगो पिकल, लेमन पिकल और चिली पिकल, एवरीथिंग इज़ देयर। सो अगर आप आना चाहो तो यहाँ पे आइए, विष्णु जी के हाथ का स्वाद लीजिए। तो चलिए अब हम भी विष्णु जी के हाथ का स्वाद लेते हैं और जानते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, क्या हमें आज ये टेस्ट करवाने वाले हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या सच में विष्णु जी के हाथ में वो जादू है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, टेस्ट करते हैं विष्णु जी के हाथ का स्वाद।
सो शेफ ने तो काफ़ी सारा सामान हमारे लिए बना दिया है, यानी कि अगर हम ये आज पूरे दिन खाए तो शायद ये ख़त्म नहीं होगा। कैमरे के अंदर ही नहीं, कैमरे के बाहर भी काफ़ी कुछ है। शेफ ने हमारे लिए बहुत ही सारी चीज़ें बनाई है, जैसे कि यहाँ पे पीस पुलाव है, जीरा राइस है, लस्सी है, मिक्स वेज है, मटर पनीर है, दाल मखनी है, गाजर का हलवा है, रायता है, और सैलेड है, चटनीस है, पिकल्स है, तीन चार तरीके के नान है, पापड़ है। क्या क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर फिलहाल अभी हम टेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, और आपको हम रिव्यू देते हैं कि एक्चुअल में कैसा है यहाँ का खाना। और मैं जो भी रिव्यू आपको देता हूँ, आप सभी जानते हैं कि एक्चुअल रिव्यू मैं आपको देता हूँ। तो चलिए टेस्ट करते हैं, क्योंकि शेफ़ ने बड़े ही प्यार से बनाया है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं आपको और बताते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है शेफ़ ने कई सारे नॉन वेज आइटम भी यहाँ पर बनाए थे, पर क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इस वजह से मैं नॉन वेज जो है वो नहीं खाता हूँ। इस वजह से मैं सिर्फ वेज ही जो सेलेक्ट किया हूँ, और जो नॉन वेज था मैंने साइड करवा दिया है। पर अगर आप लोग नॉन वेज के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे नॉन वेज भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज में मिलते हैं, और देख करके मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि नॉन वेज भी जो है वो टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको विष्णु जी यानी कि शेफ़ ने कैसा खाना बनाया है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले नान से शुरू करते हैं। नान देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, जैसा कि होना चाहिए, और प्रॉपर इंडियन स्टाइल में ही बना रहे हैं, क्योंकि मुझे दाल काफ़ी पसंद है, इस वजह से मैं नान और दाल खाना पसंद करूँगा। नान सच में काफ़ी सॉफ्ट है, और दाल जो है आपको बिल्कुल दिल्ली स्टाइल की दाल है। लहसुन का काफ़ी अच्छा तड़का मारा हुआ है, घी का भी इसमें फ्लेवर आ रहा है, खा करके डेली मज़ा आ रहा है। अगर आप चाहो तो सिर्फ दाल के साथ ही आप जो है अपना खाना जो है खा सकते हैं, सब्ज़ी की आपको ज़रूरत ही नहीं हो, क्योंकि दाल जो है शेफ़ ने इतनी अच्छी बनाई है कि वो भी सब्ज़ी का ही काम कर रहा है। बाकी आइटम काफ़ी सारे हैं, एक एक करके टेस्ट करेंगे। अब सारा तो मैं आपको रिव्यू नहीं दे पाता, पर जल्दी जल्दी जितना बता पा रहा हूँ आपको बताया तो दाल काफ़ी अच्छी है, सब्ज़ी वगैरह जो देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहे हैं। पनीर भी देखिए यहाँ पे जो है, आपको अगर भारत से दूर आकर के यहाँ पे पनीर मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स ग्रेट ना। प्रॉपर मटर पनीर जो होता है वही स्वाद इसमें मिल रहा है। मैं सोचा नहीं था कि इस तरीके का स्वाद जो है हमें यहाँ पर इतनी दूर आकर के मिलेगा, पर रियली से कि आपको यहाँ पे जो है ऐसा खाना मिलता है, दैट मीन्स कि आपको जन्नत मिल गई है। यहाँ पे देखिए बूंदी का रायता भी शेफ ने हमारे लिए तैयार किया है। भाई मक्खन है, मक्खन। और ठंड का मौसम है, और अगर गाजर का हलवा ना हो तो क्या ही बात। इसी वजह से शेफ ने भी जो है बूफे में भी ये गाजर का हलवा लगा रखा था, और हमें भी इन्होंने गाजर का हलवा दिया है। मुझे भी काफ़ी पसंद है गाजर का हलवा, तो चलिए टेस्ट करते हैं। मिठास जो है शेफ के हाथों का मिठास यहाँ पे आ रहा है, वेरी नाइस। अलग से जो है पंजाबियों के लिए लस्सी भी यहाँ पे तैयार की गई है शेफ द्वारा। वैसे मैं तो हूँ राजस्थानी, पर लस्सी काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि पंजाब के काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, तो उनको बता दूँ कि आप लोग के लिए लस्सी भी यहाँ पे बनाई जाती है। नाइस। तो ओवरऑल यही था अंदाज। अगर आप लोग आना चाहते हो यहाँ पर तो बहुत ही इजी जो इसका लोकेशन है, बिल्कुल आपको होटल बेवरली के अंदर आपको मिल जाएगा, सेकेंड रोड पे स्थित है, और बहुत ही प्यारा होटल है होटल बेवरली। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। आप लोगों को भी खाना देख करके भूख लग गई होगी, तो आप लोग भी अपना खाना खाइए, अपना खूब ध्यान रखिए, और अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए, बाय बाय, सब्बा खैर, जय हिंद।